गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर के लिए पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत सामाजिक मुद्दे से संबंधित टॉपिक लेकर आई हूं, जो कि 2018 में एक लघुत्रात्मक 8 नंबर के क्वेश्चन में 6 नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत ये प्रश्न था कि जाति एवं वर्ण व्यवस्था पे आधारित चुनौतियों का जातिगत चुनौतियों में शिक्षा की भूमिका समाप्त करने में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इसी टॉपिक पर आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ कि सामाजिक मुद्दों में जाति संबंधी मुद्दे। सबसे पहली बात मैं शुरुआत कुछ थोड़ा प्राचीन समय से करती हूँ कि जाति का जो स्वरूप है ये मानव सभ्यता के विकास के साथ नहीं था। प्रारंभिक अवस्था में कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं, कुछ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मानव सभ्यता ने विकास किया, वैसे वैसे समाज के अंदर चार वर्गों का सूत्रपात हुआ, जिसको कि वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना गया। ब्राह्मण सबसे प्रथम जो था वर्ण, ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। ये जितने भी वर्ण थे वो कर्म के ऊपर आधारित वर्ण व्यवस्था थी कि जो जैसा कर्म करेगा वो उसी वर्ण के अंतर्गत सम्मिलित होगा। तो शूद्र वर्ण ये वो वर्ण था जो कि एक तरह से कहा जाए कि जिसको हम जड़ बुद्धि कह सकते हैं, जो स्वयं की प्रेरणा से या स्वयं की मानसिक क्षमताओं के आधार पर किसी कार्य को करने की क्षमता नहीं रखते थे, दूसरों के द्वारा प्राप्त निर्देशों के आधार पर ही जो किसी कार्य को कर पाना उनके लिए संभव होता था, उन्हें ऐसे ही जड़ बुद्धि क्षमताओं के और उसमें भी उन्हें बिल्कुल सामान्य से कार्य जिनमें कि अधिक मानसिक परिश्रम की या मानसिक क्षमताओं की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ ऐसे ही कार्य जो कर पाते थे उन्हीं व्यक्तियों को शूद्र वर्ण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता था। लेकिन समाज के कुछ ठेकेदारों ने धीरे धीरे इस वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित व्यवस्था कर दिया। फिर उसमें भले ही चाहे आप में वो क्षमता योग्यता है या नहीं है, लेकिन आपने जिस जाति में जन्म लिया है आप उसी के सदस्य माने गए। जाति एक बंद समूह है जो अंतर विवाही समूह है, जो जन्म के आधार पर निर्धारित है, जिसकी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, जिनकी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, वेशभूषा खान पान जिनका एक जैसा है। तो ऐसे में हर जाति का अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी वेशभूषा खान पान की वजह से एक जाति दूसरी जाति से भिन्नता रखने लगी और धीरे धीरे इन जातियों के बीच में एक दूरी स्थापित होने लगी और एक ही जाति की भी बहुत सारी शाखाएं स्थापित होने लगी, जिससे कि एक जातिगत जटिल व्यवस्था भारत में स्थापित हो गई। अगर कुछ परिभाषा और शाब्दिक दृष्टिकोण से जाति को अगर हम बात करते हैं तो ये शब्द लैटिन भाषा का शब्द कास्टिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है विशुद्धता और अनुवांशिकता। लेकिन भारतीय परिवेश में ये दोनों व्यवस्थाएं उतनी प्रभावी नहीं है जितना कि जन्म पर आधारित व्यवस्था प्रभावित हुई और उसी के आधार पर जाति का स्वरूप सामने आया। अब जब हम देखते हैं कि इस शूद्र व्यवस्था के शूद्र वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो वर्ग निम्न था वो हर तरह से वंचित था, वो शिक्षा का अधिकार उन्हें वर्ण व्यवस्था काल से नहीं था क्योंकि उनमें शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता नहीं थी, यानी कि वहां पर जो व्यवस्था थी वो सिर्फ क्षमता और योग्यता के आधार पर स्थापित थी। धीरे धीरे इसे जन्म पर आधारित कर दिया और ये जो वर्ग कुछ जातीय वर्ग ऐसे रहे जो कि वंचित वर्ग कहलाए, अधिकार विहीन वर्ग कहलाए, निम्न जाति वर्ग कहलाए, ऐसे में उनके लिए इस समाज में अपने अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने स्थान को स्थापित करने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। इन्हीं चुनौतियों पर आधारित जो कुछ चर्चा आज हम करेंगे कि ये जो चुनौतियां हैं इनको समाप्त करने में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि इन जातियों के लिए चुनौतियां
समाज की समस्त समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समान सम्मान जिनको प्राप्त हो सके, कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सके, उनको वे समस्त अधिकार प्राप्त हो जो अन्य समस्त उच्च कुल की जातियों को प्राप्त है। तो ऐसे में कुछ चुनौतियां हैं जिनका निवारण शिक्षा के माध्यम से सहजता से हो सकता है। इसी बात की चर्चा करेंगे कि जातिगत चुनौतियों का में शिक्षा की क्या, चुनौतियों के समाप्त करने में शिक्षा की क्या भूमिका है। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि संकीर्णता से ऊपर उठाना, या कि संकीर्ण सोच कि ये मेरी जाति है, ये इसमें हमारे इसमें ये व्यवस्थाएं होती है, हमारा पहनावा इनसे ये अलग है, वो इससे हमारी जाति के नहीं है। तो ऐसे में ये जो संकीर्ण सोच है, इस संकीर्ण सोच को परिवर्तन करने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा स्पष्ट करती है, शिक्षा बालक को ये बताती है कि जो भिन्नता है वो भौगोलिक आधार पर, जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जो शारीरिक बनावट या उसमें जो भिन्नता है, या वहाँ उसके दृष्टिकोण से जो पहनावे की भिन्नता है, वो एक अलग होती है। और एक जातिगत भिन्नता को आप स्थापित करते हो जो कि ये मेरा ये तेरे की भावना से ऊपर उठने की आवश्यकता है। शिक्षा इसका प्रशिक्षण बालक को प्रदान करती है। उसके बाद आती है जातिगत समस्याओं से अवगत कराना कि किसी भी जाति की अपनी क्या क्या समस्याएं हैं उनके, क्योंकि बहुत सारी जातियों के मूल्य हैं, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, जो कि कई बार अगर उनमें समय के साथ परिवर्तन नहीं किया जाता है तो उनमें समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो ऐसी समस्याओं से बालकों को अवगत कराते। उसके बाद में मानवीय भावनाओं का विकास, क्योंकि व्यक्ति में मानवीय भावनाओं का विकास होना बहुत अनिवार्य है, तभी वह अन्य दूसरे व्यक्ति को सम्मान प्रदान कर सकेगा। यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि प्राणी मात्र के प्रति सम्मान की भावना या प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना का विकास होना बहुत अनिवार्य है। जब आप हर प्राणी के प्रति दया की भावना रखेंगे, आदर सम्मान की भावना रखेंगे, तो आप मानवीय समाज में भी इन गुणों को अपना पाएंगे। उसके बाद में है महापुरुषों के जीवन दर्शन से अवगत कराना। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, भीमराव अंबेडकर, ये कुछ ऐसे महान पुरुष उदाहरण हैं हमारे सामने जो कि जातिगत संकीर्णता से ऊपर उठकर इन्होंने हमेशा बात करी है। उनके लिए कोई जाति प्रथम और कोई जाति निम्न नहीं हुआ करती थी। उनके लिए हर व्यक्ति केवल एक मानव मात्र हुआ करता था, जिसकी सेवा करना वे अपना उत्तरदायित्व तो समझते थे। मदर टेरेसा को इसी मानव सेवा के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, जिनकी जीवन की दर्शन को पढ़कर और पढ़ाकर व्यक्ति के बालक के मन में जातीय संकीर्णता को समाप्त किया जा सकता। उसके बाद में शिक्षा का प्रचार करता, क्योंकि जो ये निम्न वर्ग है, जिनको क्या निम्न वर्ग कहते हैं, जो वंचित वर्ग है, उसको शिक्षा से जोड़ा जाना जरूरी, क्योंकि जब वो शिक्षा अर्जित करेंगे तो उनकी सोच को विस्तार, एक विस्तृत स्वरूप प्राप्त होगा। उनके चिंतन का जो एक संकीर्ण दायरा है, उस संकीर्ण दायरे से निकलकर ये विस्तृत दायरे में चिंतन करने लगेंगे, तो वो उनमें स्वयं में भी एक अपने आप को निम्न समझने की भावना जो स्थापित हो जाती है, उसको समाप्त करने का अवसर मिलेगा। उसके बाद है संस्कृति के परिमार्जन हेतु शिक्षा। संस्कृति का परिमार्जन बहुत अनिवार्य है, क्योंकि समय समय पर अगर वो एक ही तरह से यथावत, कहते हैं कि ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, उसमें बदबू आने लगती है, वही स्थिति है। इसीलिए सांस्कृतिक परिमार्जन होना भी बहुत अनिवार्य है, और शिक्षा उसके लिए बालक को तैयार करती है। उसके बाद वर्तमान समय अनुसार मूल्यों का निर्धारण करना कि वर्तमान समय में जातिगत संकीर्णता से ऊपर उठकर विचार करने की परंपरा प्रारंभ हुई है, तो इन्हीं मूल्यों का इन मूल्यों का स्थापना कहाँ से हुई, शिक्षा के माध्यम से हुई, जिसने हमारी जो ये आने वाली पीढ़ी है या युवा पीढ़ी है, इसको ये सिखाया है कि कोई भी जाति ऊंच या निम्न नहीं होती है, हर व्यक्ति मानव है। यानी कि पुनः वर्ण व्यवस्था वाली, पूर्ण वर्ण व्यवस्था तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सोच लोगों की वर्ण व्यवस्था वाली होने लगी है कि जो जिस कार्य को कर लेने की योग्यता रखता है उसको वो अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यानी कि जो आधुनिक मूल्य हैं, उन मूल्यों के आधार पर को समझना और उन्हें स्वीकार करने की शिक्षा प्रदान करने की बात आती है। शिक्षा के माध्यम से बालक उनको सीखता है। फिर चिंतन के अवसर, बालक व्यक्ति को शिक्षा के माध्यम से हर बिंदु पर, हर पक्ष पर चिंतन करने के अवसर मिलते हैं। अर्थात शिक्षा जातिगत
समस्या जातिगत संकीर्णताओं से संबंधित जितने भी एक तार्किक या चिंतनात्मक पक्ष है उन पर चिंतन करके और समस्त मानव मात्र को एक समान दृष्टिकोण से देखने की विचारधारा को विकसित करने का अवसर प्रदान करके फिर पारस्परिक निर्भरता से अवगत कराना। आज मनुष्य जब जातिगत बंधनों में बंध के और एक जातिगत कहते हैं जी कि मकर जाल का तैयार कर दिया, वहां उसे ये नहीं समझ में आया कि प्रत्येक जाति चाहे वो जाति कहते लेकिन कर्म के आधार पर एक दूसरे पर निर्भरता उनकी कायम है। आज हम कहें कि हमको एक पानी के लिए मटके की आवश्यकता है तो हम खुद मटका नहीं बना सकते, हमको कुम्हार के पास ही जाना पड़ेगा। हमको अगर किसी छैनी हथौड़े की जरूरत है तो हम खुद नहीं बना सकते, हमको लोहार के पास जाना ही पड़ेगा। आज हम शालीशान घर बना लें लेकिन उन घरों में खिड़की दरवाजों की जरूरत होती है, दरवाजे लगाने की जरूरत होती है, तो ये लकड़ी के दरवाजे कौन बनाएगा? वो कारपेंटर खाती ही उनकी उस कार्य को कर पाए। अर्थात आपस में एक दूसरा पर हमारी निर्भरता है, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं हमारे जीवन को चलाने के लिए, जीवन की मूल आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान, इन तीनों के लिए, इनकी तीनों की प्राप्ति के लिए हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस चीज को समझना अनिवार्य और शिक्षा इसी चीज का ज्ञान प्रदान करती है। दसवीं बात आती है कि विविधतापूर्ण संस्कृति का ज्ञान, क्योंकि भारत में विविधतापूर्ण भारत की प्रमुख विशेषताएं विविधतापूर्ण संस्कृति है। इसमें इस संस्कृति को, इस विविधतापूर्ण व्यवस्था को समझना बहुत अनिवार्य है। सांस्कृतिक भिन्नता, सामाजिक भिन्नता, धार्मिक भिन्नता, जातिगत भिन्नता, फिर बाद में हर तरह की भिन्नता हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऐसे में इस विविधतापूर्ण संस्कृति को समझना बहुत अनिवार्य है, तभी वो दूसरों की एक संकीर्ण सोच से स्वयं को बाहर निकाल पाएगा। फिर यहाँ पर विविधतापूर्ण संस्कृति को अगर वो नहीं समझता है तो वो केवल अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी धार्मिक मूल्यों को ही श्रेष्ठ समझेगा, दूसरों को पर तवज्जो नहीं देगा। लेकिन इसको अगर वो समझता है, जानता है, तो दूसरों की जो धार्मिक मान्यता है, मूल्य है, सांस्कृतिक प्रथा, उनमें जो आपके धर्म संस्कृति से मिलती जुलती व्यवस्थाएं हैं उनको देखने का उसे अवसर मिलेगा, तो उसे समझ में आएगा कि हम उनसे कोई भिन्नता नहीं रखते हैं। अंतिम बात है जातिवाद के उन्मूलन के लिए शिक्षा, यानी कि ये जातिवाद क्या है, ये हमारे समाज को किस तरह से खोखला कर रहा है, हमारे समाज की में एक दीमक की तरह कार्य कर रहा है। किसी भी राष्ट्र के विकास और भारत के परिपेक्ष में तो विशेष रूप से कही जा सकती है कि भारत आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आ पा रहा, तो उसके पीछे कुछ हद तक ये जातिवादी संकीर्णता ही है, जिसकी वजह से आज भारत जिस शिक्षा के क्षेत्र में बेशक विश्व गुरु कहा गया होगा या आज भी शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा स्थान रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर औद्योगिक या और अन्य विकास के दृष्टिकोण से देखें तो भारत आज भी पिछड़ा हुआ है। उसके पीछे बहुत हद तक या ये कहा जाए कि बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक जातिवादी कारण भी है। अतः इसके उन्मूलन के लिए, यानी कि इस जातिवादी व्यवस्था से क्या नुकसान हुए हैं, इससे किस प्रकार के हमें हानि का सामना करना पड़ रहा है, अब जब बालक को उसका पता चलेगा तो बालक इस संकीर्ण विचारधारा से बाहर निकलकर और संपूर्ण विश्व या संपूर्ण राष्ट्र को एक ही दृष्टिकोण से देखेगा। तो इस शिक्षा बालक के इस विकास में सहयोग प्रदान करती है। तो आज यहाँ पर हमने जो विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र 2018 में जो आया प्रश्न था कि जाति एवं वर्ण व्यवस्था के आधार पर उत्पन्न चुनौतियों का निवारण में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, आज हमने इस चीज को देखा। अब आपको इसी के आधार पर इस प्रश्न को स्वयं हल करना है। धन्यवाद।